रमन ने दूसरे चरण में भी आगे रहने का किया दावा। भारी बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार, रमन सिंह ने यह दावा किया है। मैतारी वंदन योजना प्रथम कैबिनेट से ही करेंगे लागू। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। शराबबंदी बेरोजगारी स्थायी करने का वादा कांग्रेस ने तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ में डकैती करने वाली कांग्रेस सरकार, रमन सिंह ने कहा है। बड़ी जानकारी। बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं इस वक्त की आप। तो भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देख रहे हैं आप। तो रायपुर से खबर, जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। डकैती करने वाली सरकार, 15,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें पूरे के पूरे यहाँ के सारे मुख्यमंत्री सहित पूरे सचिवालय लिप्त है, इससे बड़ा चोरी का डकैती है भाई। शराब की दुकान में 40% बिना होलमार के शराब बेचना, नकली शराब बेचना, सरकार के खाते में डकैती यदि मुख्यमंत्री करेगा तो कौन बचाएगा? 5 साल पहले वादा किया थे आपने 500 रुपया महीना देने का। 5 साल सरकार में बैठने के बाद भी महिलाओं को 30,000 रुपया देना जो बकाया है महिलाओं का, उसके बारे में तो कुछ बात किया नहीं। महिलाओं को 500 देने का वादा किया नहीं आपने। शराबबंदी का वादा किया था, वो वादा आपने पूरा तोड़ दिया। 10 लाख नागरिकों को रोजगारी बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो वादा आपने तोड़ दिया। 2 साल देने का वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया। 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया। गैस सिलेंडर 4 देने का वादा किया था, वादा तोड़ दिया। गंगा जल की कसम का आपने सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने जो सौगंध खाया था, उस सौगंध को कितनी बार तोड़ा है, अब कैसे विश्वास करेगी बहन। और दुनिया के सारे सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। सीटों की संख्या के बारे में एनालिसिस तो मैं नहीं करता, पर पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रथम और द्वितीय चरण के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बंधन योजना के संबंध में, धान खरीदी के संबंध में, बाकी संबंध में हमने कहा है।